एजाज खान ने कटारिया के फैन को डायरेक्टली वार्निंग दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जो कि कटारिया के फैन एजाज खान के कमेंट बॉक्स में आकर गाली वगैरह करते हैं, उसको डायरेक्टली वार्निंग दे दिया। वो कैसे वार्निंग दिया आप लोग खुद देख लीजिए। तो जो कटारिया के कुत्ते भोंक रहे ना, जो बेटा कुत्तों का काम है भोंकना और शेरों का काम है दहाड़ना, तुम्हारा कटारिया भी किधर मिलेगा ना, बम्बई में या दिल्ली में, अभी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे साथ में। गाली गलौज करने से पहले बम्बई हमारा ही है, और तुमको नाम बनाने के लिए बम्बई आना ही है बेटा, फिर मिलेंगे और हम तो दिल्ली आएंगे। दिल्ली दिल वालों की है, हमारे बहुत पठान भाई लोग हैं उधर, बहुत हरियाणवी भाई लोग हैं मेरे उधर, ऐसे ऐसे तुर्रम सब मानते अपने को, अपन ओरिजिनल है बे कटारिया और एलवी। बेटा तुम तिहाड़ दो दिन जाके आए, यहाँ पे कई जेलों का मुआवजा कर चुके हैं और हर चुके हैं। क्या एलविस यादव कटारिया को सपोर्ट नहीं करता? तो आपको पता है कि एलविस यादव अभी इंडिया पर नहीं है, जो कि बाहर देश में घूमने के लिए गए हुए हैं, तो इसीलिए डेली व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग एलविस यादव को बोल रहे हैं कि आप कटारिया को सपोर्ट नहीं करते दिल से, जिसको लेकर एलविस यादव ने खुद रिप्लाई करा है उसको, जिसने बोला है ये सब। तो रिसेंट ब्लॉग में उसने खुद कहा, तो आप लोग खुद देख लीजिए कि उसने क्या कहा। तो मैं देख रहा था कि जैसे मेरा कल व्लॉग नहीं आया क्योंकि उतनी क्लिप्स नहीं हुई थी मेरे पास, तो लोग मेरे को कह रहे हैं एलविस भाई तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो कटारिया का, वीकेंड के वार पे जाओ क्यों रहे। अरे भाई मेरे हाथ में नहीं है यार, समझो ना वाली बात, मेरे हाथ में कैसे होगा भाई, बिग बॉस के अंदर जाना मेरा कोई शो है वो? तो जो चीज ये सोच रहे वीकेंड के वार पे, मेरे तो बाप का घर है भाई, कभी भी जाओ वीकेंड के वार पे और वो कटारिया भाई ऐसे करो, कटारिया भाई वैसे करो, सबको गाली बक के आ जाओ, ऐसा नहीं होता भाई। रही दूसरी बात कटारे के सपोर्ट की, भाई कटारे को पूरा सपोर्ट है और कैसे सपोर्ट करें, मुझे एक बात बताओ, ग्राउंड पे उतर के झाड़ू मारने लग जाऊं, पुशअप मारने लग जाऊं, सब पार्टे मारने लग जाऊं, क्या करने लग जाऊं बताओ। हम उसको ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं वोटिंग से, वो हम कर रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ खराब नहीं हुआ है किसी के बीच में, सब बढ़िया है। एंड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाइल्ड कार्ड के बारे में, जो कि आप लोग को पता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाले हैं, वो भी किसका, Adnan07 का। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये द खबरी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये ट्वीट में दिखा रहा है कि Adnan07 फर्स्ट होंगे वाइल्ड कार्ड, जो कि OTT3 का। तो एंड आप लोग का क्या है इस पर कहना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सी यू।